Hello dosto, once again very welcome back to the new video, and in this video we are going to focus on the ACPC timetable, and that is also only last 5 days are left. तो जैसे कि आज पता है कि आज हो रही है 25th of May और ACPC का इंजीनियरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है 30th of May को। इससे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने वाला था 22 मई को, बट यहाँ पे 8 दिन का एक्सटेंशन ACPC की ओर से आपको मिला है और आपको 8 दिन ज़्यादा मिल गए यहाँ पे एडमिशन करने के लिए, एडमिशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कुछ एज ऑफ नाउ इम्पोर्टेंस अपडेट है कि पहली बार तो आप मेक श्योर कर ले कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सही से किया है। रजिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी यहाँ पे स्टेप्स है वो हर एक स्टेप्स के अंदर कंप्लीट आ जाना चाहिए। अगर अभी भी कोई स्टेप्स यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे तो मैं आपको उसी स्क्रीन पे ऊपर लेके जाऊँगा कि देखिए यहाँ पे हर एक स्टेप्स में अंदर आपको ऐसा पहला स्टेप में किस तरह से आ रहा है कंप्लीटेड, ऐसा लिखा आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी एक स्टेप में कंप्लीटेड नहीं और रेड फॉन्ट में इनकम्प्लीटेड है तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं पेंडिंग है, मतलब कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं। ठीक है, तो ये है सबसे पहला नंबर का पॉइंट कि जहाँ पे आपको हर एक पॉइंट के अंदर कंप्लीटेड लिखा हुआ आना चाहिए, कोई भी स्टेप में इनकम्प्लीटेड नहीं होना चाहिए। लास्ट का पॉइंट आपका रहेगा कि आपकी फीस पेमेंट, और ये इन लोगों ने अच्छी बात बनाई कि जब आपके सारे स्टेप्स कंप्लीटेड हो जाते हैं तभी आप फीस पेमेंट कर पाओगे। तो फीस पेमेंट में भी देख लेना कि यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे फीस पेमेंट आप हो सके उतनी जल्दी जो पीक आवर्स होते हैं उसमें ना करो, अर्ली मॉर्निंग करो, मतलब सुबह के टाइम के जहाँ पे आपका स्मूथ ट्रांजेक्शन हो जाएगा, पेमेंट बहुत ईजिली हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है सुबह के टाइम पेमेंट करने में। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी टाइमिंग सेलेक्ट करो आप अच्छे से टाइमिंग सेलेक्ट करो ताकि यहाँ पे पेमेंट एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाए। दूसरी बात, पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए, अगर पेमेंट फेल हुआ होगा तो फिर यहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, वो फिर भी इनकम्प्लीट स्टेट में पड़ा रहेगा। अगर पेमेंट सक्सेस होता है तभी आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेस होगी, अगर यहाँ पे पेमेंट सक्सेस नहीं पड़ा है तो फिर यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो दैट्स वाई मेक श्योर दैट कि आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो फिर यहाँ पे आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 इज लाइक कि यहाँ पे इसके बाद अब आपको चॉइस फिलिंग के लिए आगे बढ़ जाना है। चॉइस फिलिंग इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप रहेगा, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक और दो ही स्टेप बचते हैं आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, एंड विच इज द यहाँ पे आपका प्रोविजनल मेरिट रैंक आ जाएगा। बट इसके लिए अभी देर है तो इसके लिए रेडी रहना प्रोविजनल मेरिट रैंक। और जैसे यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाता है उसके बाद यहाँ पे आपका सीधा यहाँ पे फाइनल लिस्ट आ जाएगा इंस्टीट्यूट का, और उसके बाद यहाँ पे आपका मॉक राउंड आ जाएगा। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, जस्ट वांट टू क्विक रिमाइंड यू अगेन कि यहाँ पे हर कोई स्टेप्स कंप्लीट में होना चाहिए, कुछ भी इनकम्प्लीट में नहीं होना चाहिए।